जी सर, मेरा नाम महावीर सिंह है, मैं हनुमानगढ़ से आया हुआ हूँ। तो सर, आज हमारा 16वां दिन है और हमारी यही मांग है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाए। बी ए डिसनलारी कितने परेशान है, यहाँ पे आने के बाद तबीयत भी इतनी एकदम नाजुक हो गई हमारे, और हमारा हौसला जवाब देने लगा। मेरे सरकार से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे साथ न्याय करे और हमारे को नियुक्ति प्रदान करे। बांसवाड़ा जिला से आया हूँ। मामला हमारे बी ए डिक्शनरी में जो सिलेक्शन लेवल 2 में हुआ है, तो इनमें ज्वाइनिंग नियुक्ति नहीं दे रहे, तो इनके लिए हम आज यहाँ करीबन 16 दिन हो गए हमारे यहाँ धरना स्थल पर, यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं। जब तक नियुक्ति नहीं मिले तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। देखिए, सरकार ने एक तो हमारी तो समाज में पहली बात तो समाज वाले कहते थे कि इन भाई का सिलेक्शन हुआ है, मतलब L2 में, मतलब वो टीचर बन गया है। तो इतने दिन हो गए जो हमारे समाज, सब लोग पढ़े लिखे होते नहीं है आजकल, तो वो कहते हैं कि ये तो झूठ बोलता है। एक तो हमारी इज्जत भी ख़राब कर दी। अब 6 महीने हो गए हमारे, 4 महीने हो गए दूसरे भाई नौकरी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये लोग तो स्कूल जा रहे हैं, तो आप लोगों का मतलब सिलेक्शन हो रखा है, क्यों नहीं स्कूल जाते हो? तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमारी इज्जत बचा ले, कम से कम हम सिलेक्टेड लोग हैं और हमारा 16 दिन यहाँ हो गए, बांसवाड़ा से आए हुए हैं। अब वहाँ हमारी बहुत, मतलब आप समझते हो कि परिस्थितियाँ वहाँ की, थोड़ा इलाका भी पिछड़ा है, तो परिस्थितियों को झेलते हुए यहाँ तक आए हैं और हम 15-16 दिन से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इतनी हिम्मत रखते हैं। आज 16 दिन हो गए हैं, हालांकि हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस के को गति दे और हमें जल्दी स्कूल में भेजे। हाँ जी सर, मेरा नाम हिम्मत सिंह है और मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से आया हूँ, और आज 16वां दिन हो गया हमारा धरने पे। यहाँ आप इनके चेहरे देख सकते हैं, महिलाएं बैठी हैं, बच्ची बैठी है 4 साल की अपनी माताजी के साथ, तो ये आसान नहीं है धरना, धरने पे बैठना। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारी पीड़ा को समझे, हमारे दर्द को समझे, हमारे दुख को समझे और हमें नियुक्ति प्रदान की जाए। एक अध्यापक को राष्ट्र का निर्माता माना जाता है, और राष्ट्र का निर्माता अब इस तरह सड़कों पर बैठा है तो अच्छी बात नहीं है सरकार के लिए, हमें नियुक्ति दी जाए। जी सर, बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। चयन कराने के लिए एक तो हमने दिन रात मेहनत की, हमारे घर वालों ने विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी हमें खूब पढ़ाया लिखाया, इतनी सपोर्ट की, लेकिन उसके बाद में जो हमें नियुक्ति नहीं मिल रही है, जो मेंटल स्ट्रेस से हमें गुजरना पड़ रहा है, वो हम सब लोग ही जान सकते हैं और दूसरा कोई हमारा दुख नहीं जान सकता। गांव में जो और लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब यही सोचते हैं कि इसने कहीं ना कहीं फर्जी डिग्री की हुई होगी, या फिर ये बच्चा झूठ बोल रहा होगा, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसे ही मतलब बना रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें सोचते हैं। और जब हम ये चीज़ें सुनते हैं तो हमारा दिल इतना टूट जाता है, हमें ऐसे लगता है कि हम अपने आप को ख़त्म कर लें। लेकिन फिर भी जो रामराज्य की सरकार आई है, इस सरकार से हमें यही उम्मीद थी कि ये सरकार हमारे सपनों को ज़रूर पूरा करेगी। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ किया, पहले हमें खुशियाँ दी लेकिन उसके बाद एक पल में ही सब कुछ छीन लिया था। अब रामराज्य की सरकार आई है तो हमारा दिल कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि हमारी जो मांग है वो ज़रूर पूरी होगी और सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। सर, चयन के बाद में सबसे बड़ी समस्या तो ये रही सर, कि जब सेलेक्ट हुआ ना तो सर 4-5 जगह से रिश्ते आए, और जिस दिन से एडिशनल का टैग लगा के गवर्नमेंट ने रोक दिया ना सर हमको, उस दिन के बाद तो कोई पूछता भी नहीं है गलती से भी कि भाई तुम्हारे इधर आसपास लड़का कमा रहा है जो सेलेक्ट हुआ है, कोई नहीं पूछता सर। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी ये बताओ आप। इसलिए बदल ला सरकार से गुहार है सर, नियुक्ति दिला दो, कम से कम शादी तो हो जाए मेरी। बिल्कुल हो जाएगी सर, नियुक्ति के बाद तो बिल्कुल आने लग जाएंगे। भजन लाल जी, कुमार एक सुन ले पुकार, नहीं तो मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी बन जाऊंगा फिर, समझो पीड़ा मेरी। शहीद स्मारक जयपुर में आज हमारे धरने का 16वां दिन है। हम यहाँ हमारी नियुक्ति मांग को लेकर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी एडिशनल डिग्री धारियों की नियुक्ति जल्दी की जाए, आचार संहिता से पहले हमें वो तोहफा दे दीजिए जो हमारे हक का हमें आज तक नहीं मिला। कांग्रेस ने जो छलावा किया था उसको आप दूर, आपके जो भी कर्मचारी है उनसे जैसे भी अवगत करके हमारे बारे में जो भी आपको छानबीन करनी हो तुरंत हमारे बारे में संज्ञान लेके हमको ज्वाइनिंग दे दीजिए, क्योंकि हम इतने पीड़ित हैं कि मैं आपको मेरे बारे में बताऊं तो मेरे पापा जी 2008 में एक्सपायर हो गए थे,
फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसके बाद में फिर 2014 में मेरी माँ एक्सपायर हो गई। फिर जैसे तैसे भाइयों ने मुझे पढ़ाया, 2018 में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी फिर मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, संघर्ष करता रहा, और उस संघर्ष के परिणाम मैंने 2021 में जो कॉम्पिटिशन दिया था वो मैं टॉप में था, फिर भी वो रद्द हो गई भर्ती। उस रद्द के बाद में फिर हिम्मत की, फिर आगे जुटा, फिर ये 2022 वाली जो भर्ती थी उसमें प्रॉपर तैयारी की, भाइयों का साथ रहा, कहीं से कर्ज लिया, लेकिन तैयारी ना छोड़ी, और उसमें थर्ड ग्रेड में भी सेलेक्ट हुआ। और फिर ये सोचा कि यार सेकंड ग्रेड को भी बढ़िया सेटिंग से पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं तो नौकरी मिलेगी। सेकंड ग्रेड के लिए फिर तैयारी की, वहाँ पे भी सेलेक्ट हो गए, लेकिन दुर्भाग्य देखो कि एक जो संघर्षशील आदमी कितना संघर्ष करेगा, और कि उसे ना थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग मिल रही है ना सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग मिल रही है। हमारा कोई कसूर नहीं है, ऐसे जो ये प्रचलन है एडिशनल डिग्री का, यह आज़ादी के बाद से ही प्रचलन चल रहा आ रहा है, कभी आज तक किसी को नहीं रोका, इसी बार की भर्ती में रोका है। बाकी आज तक कई ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ऐसे एडिशनल डिग्रीधारी वाले टीचर्स, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज यहाँ हम तपती धूप में, इस धूप में आज हम यहाँ हमारी नियुक्ति मांग को लेकर डटे रहे हैं, क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं आस है कि जो भजन जी सरकार है वो हमें जल्दी आचार संहिता से पहले शुभ संकेत देगी और हमारे जो नियुक्ति आदेश है उसे जल्दी जारी करवाएगी। धन्यवाद।